हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज, मैंने प्रॉक्सिमेटी अनलॉक के ऊपर एक वीडियो बनाया था, काफ़ी सारे लोगों को पसंद आया। उसके अंदर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, भैया इसके ऊपर जो कॉलिंग फीचर वाला ऑप्शन आया है उसका भी एक वीडियो सेपरेटली बनाया जाए, और सेटअप किस तरीके से करना है, किस तरीके से उसके जितने भी कनेक्शंस है उनको हमारे को पूरी तरीके से कनेक्ट करना है, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो सिंक कैसे करना है, इस सब के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज मैं आपके लिए वही वीडियो लेके आया हूँ। उससे पहले मैंने हमारी ओला S1 के अंदर से सारे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट कर दी है, फ़ोन में भी जो भी कनेक्टिविटी सब डिस्कनेक्ट कर दी, ताकि आपके सामने एग्जैक्टली आपको पता चले कि यार किस तरीके से कनेक्शन करना है, किस तरीके से कॉन्टैक्ट को सिंक करना है। क्योंकि आज की डेट में काफ़ी सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि ऐसे कॉल आता है तो यहाँ पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उनका नाम नहीं डिस्प्ले होता है, तो उनको पता नहीं चलता है किसका फ़ोन उठाना है, किसका काटना है। यहाँ पे जो मैसेज का ऑप्शन था वो मैसेज का ऑप्शन वहाँ पर नहीं आ रहा है, किसी को काटता है तो मैसेज नहीं जा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले हम हमारी ओला S1 को अनलॉक करते हैं। अभी हमने कोई भी प्रॉक्सिमिटी अनलॉक या मोबाइल से कनेक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ही पासपोर्ट लगा के ऑन करते हैं। पासपोर्ट लगा के ऑन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अपने फ़ोन में भी ओला इलेक्ट्रिक ऐप में आते हैं, और यहाँ पे मैंने सब कुछ अनपेयर कर रखा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पे कनेक्ट नाउ पे ब्लूटूथ पे क्लिक करना है। यस, एंड कनेक्ट नाउ पे यहाँ पे क्लिक करना है। थोड़ी सी देर का टाइम लगता है, तो यहाँ पे देखो पेयरिंग हो रही है, पेयर तो ये हो चुका है, यहाँ पे पेयर कंप्लीट सक्सेसफुल। अलाउ कर देना है यहाँ पे कॉन्टैक्ट से रिलेटेड कुछ मांगेगा तो, और मीडिया कंट्रोल है वो भी यहाँ पे आपको ब्लूटूथ में जाके कनेक्ट करना पड़ेगा। मीडिया कंट्रोल यहाँ से नहीं होता है तो ब्लूटूथ में आते हैं, और यहाँ पे आपको आ जाएगा ओला S1 म्यूज़िक। तो ओला S1 म्यूज़िक आ रहा है, ये हमारे को पेयर कर देना है। ये पेयर हो गया कम्प्लीट, अलाउ। तो अब कॉन्टैक्ट जो है ना वो सिंक कैसे करना है, जैसे हम ब्लूटूथ के अंदर यहाँ पे है ना आई बटन आता है, या फिर आपके एंड्रॉयड के अंदर भी यहाँ पे ऑप्शन आता होगा, तो यहाँ पे ऑल कॉन्टैक्ट्स की जो परमिशन है ना इसके ऊपर आपको टिक करना है। तो जैसे आप ये परमिशन दोगे तो आपके यहाँ पे कॉन्टैक्ट सिंक हो जाएगा। कैसे होगा अभी मैं दिखाता हूँ। सेटिंग्स पे जाके ब्लूटूथ पे जाना है। ब्लूटूथ पे जाने के बाद सब कुछ आ रहा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट मीडिया कनेक्टेड है, आईफोन कनेक्टेड है, इनकमिंग कॉल कनेक्टेड है, यहाँ पे सिंक हो रखा है। अगर अपन इसको ऑफ करके ऑन करते हैं तो यहाँ पे देखो सिंक ऑटोमेटिक या तो सिंक हो रहा है, नहीं तो यहाँ पे रीट्राई का ऑप्शन आएगा, जैसे आप टैप करोगे तो सिंक हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक बार कॉल करके ट्राई करते हैं। देखो कॉल का ट्राई करने से पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो आपके सामने यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा होगा, रिजेक्ट कॉल विथ मैसेज, मतलब एक पर्टिकुलर मैसेज के साथ इसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको भी ऑन करना होगा अगर आपको मैसेज के साथ रिजेक्ट करना है। तो जैसे अपन फ़ोन के अंदर नहीं करते कि हम कहीं ड्राइव कर रहे हैं तो इसलिए कॉल लेटर कहीं बिजी होते हैं तो कॉल बैक लेटर, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे है। तो अभी देखो ये दोनों फ़ोन लिया है मैं, इस फ़ोन से इस पर कॉल करता हूँ और ट्राई करते हैं। तो देखो मैंने अभी कॉल किया और इस पर कॉल आ रहा है अभी से एक मोटो के नाम से, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। तो ये एक तरीका हो गया। अब रिजेक्ट का देखते हैं, यहाँ पे अगर रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट का इधर है, तो ये डायरेक्ट रिजेक्ट हो गया। मैसेज तो चेक करना पड़ेगा आया है नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी मैसेज नहीं आया है। एक बार मैसेज में आके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आया है। तो ये मैसेज फंक्शन है जो इसका नहीं से सही से काम नहीं कर रहा है। एक बार ये सारा फीचर अपन काम कर ट्राई करते हैं कि हम गाड़ी जब चला रहे होंगे तब क्या होगा। तो गाड़ी को पहले ऑन करते हैं। तो ये भी राइडिंग मोड में है, आपको दिख रहा है ना, जैसे आप आपको दिखाऊं साउंड के साथ दिखा देता हूं। तो देखो साउंड के साथ ऑन है भी गाड़ी है ना। अब मान लो आप गाड़ी चला रहे हो तब कॉल आता है तब क्या होगा, अभी जैसे अब यहाँ पे वापस कॉल कर दिया मैंने, तो गाड़ी के टाइम ही जैसे आप बताता हूँ, जैसे यहाँ पे अभी अपन गाड़ी चला रहे हैं तो कॉल आ रहा है, तो इसका साउंड कम हो जाएगा, मतलब दोनों का साउंड मिक्स हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कॉल उठा सकते हो, काट सकते हो, अभी उठा लेते हैं। हेलो 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 हेलो। तो यहाँ पे देखो ये दे रखे हैं इसके माइक, ये माइक है, स्पीकर से आपको साउंड आता है। अब यहाँ पे अगर आप होल्ड करना चाहते हो, डिस्कनेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ से कर सकते हो, ये डिस्कनेक्ट। तो यहाँ पे मतलब इस तरीके से इन्होंने फीचर्स बनाया है, जैसे कार के अंदर फीचर्स होते हैं ना कि आप स्टेयरिंग से ही कॉल उठा सकते हो, कॉल कट कर सकते हो, वैसे ही सारे फीचर्स हमारे को ओला स्कूटर के अंदर भी मिलते हैं सिर्फ 1,00,000 में। तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। हाँ, एक प्रॉब्लम जो मुझे लगी है वो है कि जो मैसेज जाने वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे एक्टिव नहीं हो पा रहा है। तो आई होप आपकी ये क्वेरी भी सॉल्व हो गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना।